भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य, किस तरह भुला दूं आज हाय, कल की ही तो है बात प्रिय। जब श्वासों का सौरभ पीकर मदमाती सांसें लहर उठी, जब उर्की स्पंदन से पुलकित उर्की तन्मयता से हर उठी। मैं दीवाना तो ढूंढ रहा हूं वह सपने की रात प्रिय, किस तरह भुला दूं आज हाय, कल की ही तो है बात प्रिय। अत्यंत संवेदनशील ये पंक्तियां कवि श्रेष्ठ भगवती चरण वर्मा की हैं। भगवती चरण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव गांव शफीपुर में हुआ। उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। उनकी एक भावपूर्ण कविता, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अपने प्रकाश की रेखा, तम के पट पर अंकित है निस्सीम नियति का लेखा, देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ, पर पल भर सुख भी देखा, फिर पल भर दुख भी देखा, आशा है वही निराशा, क्या आदि अंत संस्कृति का, अभिलाषा ही अभिलाषा, अज्ञात देश से आना, अज्ञात देश को जाना, अज्ञात, अरे क्या इतनी है हम सब की परिभाषा, फिर पल में वहीं अपरिचित हम तुम सुख सुषमा जीवन, है क्या रहस्य बनने में, है कौन सत्य मिटने में, मेरे प्रकाश दिखला दो, मेरा भूलापनापन। भगवती चरण जी मुख्यतः लेखन में रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत पत्रकारिता से की। भगवती जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के संरक्षण में प्रचलित मुख्य समाचार पत्र प्रताप का संपादन किया। बाद में उन्होंने दैनिक नवजीवन का संपादन किया। वो आकाशवाणी में प्रमुख कार्य संचालक भी रहे। जीवन शक्ति जगाती उनकी एक कविता, क्षय गति लिए मैं चल रहा, बस चल रहा, यह पथ अजान कठोर है, दिखता न ओर न छोर है, रंजित अनिश्चय से यहाँ, हर सांझ है हर भोर है, हर काम में कुछ भूल है, हर कदम खतरे से भरा, हर दृष्टि कुछ सहमी हुई, हर सांस में कुछ शोर है, सब जानता हूँ पर वहीं कुछ लग रहा, ऐसा मुझे साहस बलाता, मैं लिए मुझ में बलाता जोर है, उर्मे असीमित दाह है रक्त में ज्वाला अमित, निष्कंप सा निर्धूम सा मैं जल रहा, बस जल रहा। बाद में वो लखनऊ में बस गए। 1978 में वो राज्यसभा के मानद सदस्य मनोनीत हुए। वो कवि से अधिक उपन्यासकार के रूप में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता और मुंबई में फिल्म कथा लेखन भी किया। उनकी एक रचना चित्रलेखा पर फिल्म बनी जो अत्यंत लोकप्रिय हुई। उनकी एक दार्शनिक कविता,
नहीं कहीं मिलती है छांव, नहीं कहीं रुकते हैं पांव। राह अजानी लोग अजाने, जितने भी संयोग अजाने, अनजाने से मिली मुझे जो भूख अजानी, भोग अजाने। एक भुलावा करुआ मीठा, एक छलावा ठाम कुठाव, जिसको समझूं अपनी मंजिल, नहीं कहीं दिखता वो गांव, नहीं कहीं मिलती है छांव। एक सांस है सस्मित चाह, एक सांस है आह कराह, बड़ी प्रबल है गति की धारा, मैं पथ भूला मैं पथ हारा, जिसको देखा वही विवश है, किसको किसका कौन सहारा। रंग बिरंगे स्वप्न सजोए, मेरे उर का तमस अथाह, जो जो घटती जाती दूरी, क्यों क्यों बढ़ती जाती राह। एक सांस है सस्मित चाह, एक सांस है आह कला। भगवती चरण जी के चर्चित उपन्यास थे चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न, मरीचिका। महाकाव्य भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1969 में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई। उनकी एक सरल कविता, देखो सोचो समझो सुनो गुनो और जानो, इसको उसको संभव हो निज को पहचानो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो, जीवन की धारा में अपने को बहने दो, तुम जो कुछ हो वही रहोगे मेरी मानो, देखो सोचो समझो सुनो गुनो और जानो, पल में रो देते हो पल में हंस पड़ते हो, अपने में रम कर तुम अपने से लड़ते हो, पर यह सब तुम करते इस पर मुझको शक है, दर्शन मीमांसा यह फुर्सत की बकझक है, जमने की कोशिश में रोज तुम उखड़ते हो, थोड़ी सी घुटन और थोड़ी रंगीनी में, चुटकी भर मिर्चे में मुट्ठी भर चीनी में, जिंदगी तुम्हारी सीमित है इतना सच है, इससे जो कुछ ज्यादा वो सब तो लालच है। चरमर चरमर चू चरर मरर, जा रही चली भैंसा गाड़ी, बीते युग की परछाई सी, बीते युग का इतिहास लिए, कल के उन तंद्रिल सपनों में अब का निर्दय उपहास लिए, गति में किन सदियों की जड़ता, मन में किस स्थिरता की ममता, अपनी जर्जर सी छाती में अपना जर्जर विश्वास लिए, भर भर कर फिर मिटने का स्वर, कप कप उठते जिसके स्तर स्तर, हिलती डुलती हफ्ती कपती, कुछ रुक रुक कर कुछ सिहर सिहर, चरमर चरमर चू चरर मरर, जा रही चली भैंसा गाड़ी। ये थी मानववादी दृष्टिकोण की उनकी एक कविता भैंसा गाड़ी। भगवती चरण जी के कहानी संग्रह हैं मोर्चा बंदी, राख और चिंगारी और इंस्टॉलमेंट। उनके काव्य संग्रह हैं मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव। साहित्य सेवा के लिए उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी एक प्रेरणादायक कविता, ऊंची नीची सकरी पथरी ली गाहों पर, चलना है बहुत कठिन पिंडली भर जाती है, और धोकनी सी भर भर जाती छाती है, बाहर आलोकित रवि है शशि है तारे हैं, हम अपने अंदर अंधियारे से हारे हैं, लेकिन इतना सच है बन कर मिट जाना है, फूलों का खिलना ही
इनका मुरझाना है, मिट जाते दिन है और मिट जाती रातें हैं, मधुदित जल जाती गल जाती बरसातें हैं, चलती है सांसें चलता रहता काल समय और चलती ही रहती सुख दुख की बातें हैं, लेकिन हम कायम हैं, हमसे जग कायम है, बनती मिटती बस कुछ इन्हीं गिनी चाहों पर, चलना है बहुत कठिन लेकिन हम चलते हैं। धीरे धीरे ओ मलय पवन, ओ मधु ऋतु के मलय पवन, कहो तुम्हारे झोंकों में है किस विस्मृति का आलिंगन, सौरभ के पुलकित अधरों पर किस मादकता का चुंबन, जीवन में है यह कंपन, जीवन है छोटा सा क्षण, क्षण भर का छोटा सा क्षण, सूने उर का प्रेम बन गया आज तुम्हारा आकर्षण, मेरे मानस में भर जाओ अपने मानस का मधुकण, सागर सा प्रशांत मधुकण। ये उनके काव्य संग्रह मधुकण का एक अंश था। उन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किया और सृजन का रास्ता अपनाने को प्रेरित किया। भगवती चरण जी ने कई कविताएं, उपन्यास, रेडियो रूपक, निबंध और नाटक लिखकर साहित्य में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। वो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, पर हमेशा सहजता से जुड़े रहे। उनकी एक सहज कविता, मेरी भूलों से मत उलझो, जन्म जन्म का मैं अज्ञानी, मैं क्या जानूं क्या है अमृत, क्या विषय है क्या यहाँ हलाहल, खारा पानी है सागर का, मीठा मीठा है गंगा जल, जबकि हवा में मदहोशी है, फूलों में है मधु की पुलकन, लिए कौन सा दाह हृदय में, डाल डाल पर कूकी कोयल, कौन पिलाने वाला बोलो, कौन यहाँ है पीने वाला, लगातार मैं पीता जाता, भरता जाता मेरा प्याला, सीधा सादा ज्ञान तुम्हारा, बहकी बहकी मेरी बातें, एक तड़प उसकी हद धड़कन, जिसको तुम सब कहते हो दिल, अरे स्वयं मैं एक लहर हूँ, मैं क्या जानूं क्या है साहिल, मेरे मन में नई उमंगे, मेरे प्राणों में तन्मयता, सीधा सादा ज्ञान तुम्हारा, बहकी बहकी मेरी बातें। अभी आपने समृद्ध साहित्य खंड में सुना पद्मभूषण कवि भगवती चरण वर्मा को। कंपेयर थी रेखा रानी, लेखिका और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।